देख रहे हैं रूबरू बिहार और मैं हूँ आपके साथ नेहा। ओलंपिक के खेलों की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है, जहाँ हर देश अपने खिलाड़ियों की सफलता की चर्चा कर रहा है, वही बिहार के खिलाड़ी इन खेलों से दूर क्यों रह जाते हैं। इस सवाल के जवाब में बिहार आर्चरी एसोसिएशन के कोच नीरज सिंह ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण जो है राज्य सरकार की खेलों के प्रति लापरवाही है। नीरज सिंह ने कहा कि बिहार में खेलों के लिए पर्याप्त सुविधाएं जो हैं उपलब्ध नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि आर्चरी जैसी महंगे खेल के लिए संसाधनों की भारी कमी है। राज्य सरकार ने खेलों पर सिर्फ राजनीति की है। हमारे खिलाड़ियों को ट्रेन यात्रा के दौरान बर्थ तक नहीं मिलती और संसाधनों की कमी के चलते उन्हें सही तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती है। उन्होंने बताया कि यहाँ की सुविधाएं अत्याधुनिक हैं और अगर बिहार में इसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होती तो बिहार के खिलाड़ी भी ओलंपिक तक पहुंच जाते। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया में हमने तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया, अगर बिहार में भी ऐसा कुछ हो तो यहाँ की प्रतिभाएं और भी ज्यादा उभर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में खेलों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की कमी के चलते जो युवा हैं अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हरियाणा, पंजाब और दक्षिण भारत के राज्य अपने खिलाड़ियों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसके वजह से उनके खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंच पाते हैं। बिहार में भी ऐसा होना चाहिए। बिहार में खेलों की प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है एक समर्पित और समर्थ व्यवस्था की, जो इन प्रतिभाओं को सही दिशा और संसाधन प्रदान कर सके। आपको बता दें कि भारतीय आर्चरी टीम के कोच नीरज सिंह को साउथ कोरिया में बेहतर कोच को लेकर प्रशस्ति पत्र से भी नवाजा जा चुका है। भारत से 6 कोच 16 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दिलाने और लेने के लिए साउथ कोरिया भी गए थे, जहां नीरज सिंह को बढ़िया अनुभव, खिलाड़ियों को अच्छी ट्रेनिंग और कई मापदंडों को देखते हुए बेहतर कोच चुना गया था। भारत के तीरंदाजी प्रशिक्षक नीरज कुमार सिंह अपने सर्वश्रेष्ठ मान बढ़ा चुके हैं। आपको बता दें कि नीरज कुमार बिहार के भोजपुर जिले के निवासी है। नीरज ने साउथ कोरिया में चल रहे प्रशिक्षण और एक्सपोलेजर टीम के कोच के रूप में भी भाग लिया था, जिसमें उन्हें दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज प्रशिक्षक मिस्टर किम के द्वारा लेवल 1 कोच के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। इस प्रशिक्षण के लिए भारत से कोरिया 22 सदस्यीय टीम रवाना हुई थी। इनमें 8 लड़कियां 8 लड़के और 6 प्रशिक्षक थे, जिसमें भोजपुर जिले के दुरौंधा गांव निवासी रवि शेखर सिंह के छोटे पुत्र नीरज कुमार सिंह को बिहार से पहली बार तीरंदाजी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कैंप में सम्मानित होने का सौभाग्य मिला। तो बिहार के खेलों की स्थिति पर नीरज सिंह के आरोपों ने एक गंभीर सवाल उठाया है। अब देखने वाला बात ये होगा कि क्या बिहार सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी और राज्य के युवा खिलाड़ियों को उनकी पूरी क्षमता को साबित करने का मौका देगी। यही उम्मीद और ख्वाहिश है कि बिहार में खेलों के विकास की दिशा में आवश्यक सुधार किया जाए, ताकि भविष्य में और भी खिलाड़ियों को ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर सफलता हासिल करने का जो मौका है उन्हें मिल पाए। तो ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए रूबरू बिहार के साथ। देखते रहिए रूबरू बिहार। नमस्कार।